क्या है, जो भी है ये जहां भी उत्तर ये है, जहां भी रख देना थाने में रख दे, क्या बयान है कुछ समझ में नहीं आ रहा। याद मालूम तुम्हें सब है, वकील साहब मालूम सब है, पीला गमछा गरीब मजलूम शोषित वंचित की आवाज है। ये तो आपने भाषण वाली बात बताई, नेता वाली बात बताई है मुझे। उन्होंने कहा कि पीला गमछा जाके थाने पे रख दे, मैं कहा रख गजब वाह क्या बात है, मैं पूछूंगा वो भी, लेकिन पहले जवाब आरएलडी से एंड देन बातचीत का सिलसिला शुरू। देखिए प्रतीक भाई, राष्ट्रीय लोकदल जहां था वहीं खड़ा हुआ है, हमारा हाँ। अपना दल है, किसानों के हित में हम संघर्ष करते हैं हाँ। हम चाहे सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें हाँ। हम कभी नहीं पलटे हैं। अगर समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं? आप देखिए स्थिति क्या है, आपके डिबेट में कहीं और जाके बाइट दे रहे हैं, यही स्थिति। अरे तो काम अरे चले गए तो वो बीच में आगे ऐसा ना खींचिए उनको हाँ। कांग्रेस की स्थिति क्या है हाँ। पता ही नहीं है कितने बजे डिबेट शुरू होगा, आ रहे हैं गलत बात है। नहीं तो स्थिति ये है कि भाई जिसको पता ही नहीं है कि आगा पीछा क्या है, वो जनता की क्या चिंता करेगा, उनके साथ कब तक हम अपने जनता को धोखा देंगे। ये परेशान लोग हैं, चवन्नी पलटने वाले लोग। अगर मैं बाइट देने चला गया तो परेशान हो गए। अरे भाई आपको अगर नहीं बुलाता है चैनल, अगर आपकी बाइट नहीं लेता तो क्या ये मेरी कमजोरी है, आपकी कमजोरी है? आप 5, 7, 8, 9 वाले विधायकों वाला दल है, आप हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिसने आपका अस्तित्व बनाने का काम किया है। इसलिए हमारे मित्र हैं, अभी कुछ ही दिन हुए हमसे गए हुए, बहुत कड़वाहट अभी पैदा नहीं हुई है, क्या पता इनको फिर से वापस आना पड़े इसी दल। ऐसा ना करिए कि इतनी ज्यादा कड़वाहट पैदा हो जाए, जब दोबारा दोस्त बने तो फिर वो गड़बड़। वकील साहब नमस्कार, कैसे हैं साहब? बहुत अच्छी बात, आप कैसे हैं जनाब? बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? 24 चुनाव की घोषणा, बस एकदम मुहाने पे खड़ा हूं हम लोग। हाँ जी, आपकी बार 400 पार। वकील साहब हाँ जी, पेट्रोल डीजल सरसों का तेल और सारी चीजें 400 पार, महंगाई 400 पार। गजब है भाई, लखनऊ में आदमी बोलता भी तो वो तिरछे तरह से बोलता है। मैं आया वकील साहब, मैं आया कांग्रेस को एक बार फिर देखते कांग्रेस एंड देन आर जी। पर वो सवाल ये था, कुछ उन्होंने कहा था, आप अपनी बात रखिए, मैं आपको एक मिनट देता हूं आपको कि कांग्रेस को चुने तो क्यों चुने, यहीं से चलिए, यहीं से शुरू करिए जी। भाई अगर पेपर लीक नहीं करवाने हैं तो कांग्रेस को चुन लीजिए, 1 करोड़ बेरोजगार अगर सड़क पर नहीं देखने हैं तो कांग्रेस को चुन लीजिए, अगर आपको सिलेंडर 395 रुपए में चाहिए तो कांग्रेस को चुन लीजिए, आपको अगर सीमाओं की सुरक्षा चाहिए तो कांग्रेस को चुन लीजिए, रोजगार परक विकास, अगर जितने युवाओं को नौकरी नहीं मिली वो ग्रेजुएट हो गए 25 साल तक के, 1 लाख रुपए साल की अप्रेंटिस चाहिए तो आप कांग्रेस को चुन लीजिए। जो 1 लाख रुपए की अप्रेंटिस, 1 लाख रुपए की 1 साल की अप्रेंटिस है, कांग्रेस की गारंटी है। और किसान भाइयों से मैं यहां से कह रहा हूं कि एमएसपी की गारंटी चाहिए तो कांग्रेस को चुन लीजिए, आज की डेट में देश को विकसित और उन्नत बनाना है तो कांग्रेस को चुन लीजिए, और जुमलेबाज बनाना है तो भाजपा को। जी मैं बिल्कुल आ रहा हूं, एक एक करके आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास आऊंगा, बहुत दिन हुए, 1 साल 1.5 साल पहले बुला होगा आपने। हाँ जनवरी आ गया, मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं, मैं आपके पास भी आता हूं जी। हाँ जी, एक मिनट आराम तो उतावला ना हो बेटा। क्या नाम तुम्हारा? शुभम शुक्ला। 3 बार पूछता हूं ये तो मालूम ही है ना। शुभम शुक्ला क्या काम करते हैं बेटा? हमारा बिजनेस है साक्षी जो मेकअप स्टूडियो। कहाँ कहाँ है? साक्षी जो मेकअप है स्टूडियो। मेकअप स्टूडियो है? आप आरती को जानते होंगे, दिल्ली में मिलके आए हैं अभी। अरे भाई हमें, हम तुमसे जो पूछ रहे हैं वो जवाब दो, हम किसको जानते हैं किसको नहीं जानते। कह रहे पाकिस्तान को आर्थिक मदद चाहिए। अरे भाई मैं तुम्हें जो सवाल पूछो तो मैं पाकिस्तान और कलकत्ता बना, ये बताओ काहे का स्टूडियो है? मेकअप स्टूडियो है, बहुत जरूरत पड़ने वाली है लोगों को अभी, इसलिए बिजनेस अभी बहुत बढ़िया चलेगा। अब आगे आओ शुक्ला जी, काम की बात भूल जाते हो तुम। हाँ आप बताओ। हाँ बताइए। क्या क्या बताइए, क्या बोलो। अरे अभी तो इन्होंने जो कहा है, इन्होंने, अरे जो कांग्रेस के जी हैं इन्होंने ये कहा है, तो इनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद देनी है तो कांग्रेस को वापस लाएं। पुलवामा में जो अटैक हुआ वहाँ सब चीजें हुई, उनके जिम्मेदार कौन है? बीजेपी आई तब जाके हम लोगों ने वहाँ पे सांस ली है, वरना सांसें नहीं ले रहे थे। शुक्ला जी बोला करो तो ढंग से बोला करो कि अब जब से बीजेपी आई सांस ले रहे हैं, वरना तो सांसें नहीं ले रहे थे। बड़ा मजा आ रहा, अब तो मलाई काट रहे हो सब लोग। सत्ता यही होती है, जहां पहुंच जाए वही मजा देती है। लेकिन 24 का खेल है, 24 में बात, अरे खोला है इनको। अरे भाई ये अच्छी चीजें दिखाया करो, ये सब चीजें ना दिखाया करिए, शो वो क्या है, अच्छी चीजें नहीं है। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी मजबूरी भी होती है कि बच्चे कहां छोड़े। आगे जी प्रसून जी, आप एक कोई तैयारी सुनाओ, मैं पहले बीजेपी से एक छोटा सा रिएक्शन एंड देन आई एम कमिंग टू यू जी। बीजेपी का जी दुबे जी, देखिए इन्होंने कहा अभी बहुत सारी चीजें बताई कि इसलिए चुनिए, मैं आपको बताता हूं, अगर पक्का छत चाहिए, गरीबों को मकान चाहिए तो भाजपा को चुनिए।
सुरक्षित देश चाहिए तो भाजपा को चुनिए, वरना कांग्रेस कर्नाटक में आई और धमाका हो गया। अभी 14 के बाद से देश में धमाके नहीं हुए। अगर दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों को छोड़ दीजिए तो देश में कहीं धमाके नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी आई कर्नाटक में, धमाका चालू हो गया, क्योंकि ये धमाकों में भी तुष्टीकरण देखते हैं। धमाकों में भी तुष्टीकरण, बिल्कुल। जनाब इधर निकल रही है, उधर पीछे ना खड़े रहिए जी। देखिए, देश में और आतंक पर इस तरीके की कुत्सित और गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लो इंटेंसिटी का जो बम था और उसकी जो जांच चल रही है, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल गए तो, अगर जैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले उस दर्जी को मारने वाले, जैसे कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का एक 2 लाख रुपए का आतंकवादी, इनका सोशल मीडिया सेल का हेड निकला, तब ये क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, देखिए मुंबई में हमला हुआ, इनके नेता कोट पैंट बदल रहे थे और पूछा गया क्या कार्रवाई करेंगे, बोले हम डोजियर भेज रहे हैं। हमने क्या किया, हमने उरी हुआ या पुलवामा, पाकिस्तान में घुस के डोज देने का काम किया, ये अंतर है। वो डोजियर देते हैं, हम डोज देते हैं। जी बाबू जी नमस्ते। अरे रुकिए, पुलवामा तो होता, हमें तो आपके हालचाल पूछने के लिए आया था, और अगर नहीं बताना तो जा रहा हूं वापस। अरे रुकिए रुकिए, 24 तो बहाना है मिलना आपसे था मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या नाम है साहब? दिनेश मिश्रा। दिनेश जी क्या काम करते हैं? मैं इनकम टैक्स की वकालत करता हूं। अरे बाप रे, इनकम टैक्स की वकालत करते हैं, तब तो बड़े बड़े मतलब ठीक ठाक काहे ताली बजा रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है। मिश्रा जी क्या आप पूछना है, पूछिए। मैं दो चीज पूछना चाहता हूँ कि पहला तो पुलवामा पर अटैक हुआ, उसका आज तक आरडीएस कहां से आए बताया क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और जम्मू कश्मीर में भी इनका शासन है, ये नहीं बताते ये। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्टोरल बांड को लेकर के मैं बात करना चाहता हूं कि जब 10,000 उसमें कैश देने का प्रावधान था तो 2,000 क्यों किया आपने? आपने कहा हम बेईमानी रोक देंगे, और वहां पर आरबीआई में देने के लिए आपको नाम पता देने की जरूरत नहीं है, आप कैसे इतना भ्रष्टाचार के काम बात करते हैं? तीसरी बात मैं सारी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि जितना चंदा मिलता है पार्टियों का, उससे जनता क्या क्या हित किया जाता है और उसको टैक्स के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता है? उसको क्यों नहीं लाया जाता है और उसको जनता को बाहर क्यों नहीं दिखाया जाता है, किसने कितना चंदा किससे लिया और किसने दिया? तो आज चंदे की तो बात हुई भी थी और कहा गया कि भाई नहीं, हमने सुनवाई तब की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फौरी तौर पर